सेंटर के परिक्षेत्र में ही है, वहां पर उन्हें वोटिंग करना होगा। और लोकसभा में कार्यरत सभी निर्वाचन कर्तव्य सभी निर्वाचन कर्मिकों को हम एडिशनली ईडीसी के माध्यम से भी यदि वहां पर व्यवस्था है तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी उनको जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से फिर वो पोलिंग बूथ पर ईवीएम से भी वोट कर सकते हैं। तो दो में से एक विकल्प जो है उपलब्ध हमेशा रहेगा। और अनिवार्य सेवा की श्रेणी में एसेंशियल सर्विसेज के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा रहेगी। इसके लिए भी जो विशेष रूप से जिला स्तर पर एक पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित होगा और वहां से फिर वो मतदान कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के लिए व्यवस्था ये रहेगी कि जो हमारे 11 रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके अधिसूचित कार्यालयों में ही जो है ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और दो मुख्य बातें इसमें हैं, एक तो नाम निर्देशन पत्र जब अभ्यर्थी अपने नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे जमा करने के लिए तो उनके साथ कुल 5 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं, और नाम निर्देशन केंद्र के 100 मीटर के परिधि में केवल 3 वाहनों को एंट्री की सुविधा रहेगी। और ऑनलाइन भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं, परंतु शपथ जो है लेनी है तो वो जो निष्पादन है उसका वो व्यक्तिशः ही करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष। इसके अलावा जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको अपने संपत्ति देनदारियों और आपराधिक पूर्ववृत्ति के संबंध में भी और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी शपथ पत्र संलग्न करना होगा निर्धारित प्रारूप में। जहां तक प्रचार प्रसार की बात है, राज्य में वृहद जो है स्वीप अभियान कार्यक्रम संचालित है जन जागरूकता के लिए मतदाताओं के बीच में, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगी कि निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य रूप से आप करें। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है वो भी मेरी अपील रहेगी कि सभी मतदाताओं के बीच में इस जन जागरण कार्यक्रम को आप संचालित करें चलाए और अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाए। जहां तक आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने का विषय है तो सबसे पहले तो संपत्ति विरूपण के संबंध में जो 24 घंटे में सभी शासकीय भवनों से और 48 घंटों में सार्वजनिक संपत्तियों से और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से जो विरूपण हटाने की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है, और सभी जगह से जो है वो जो छोटे छोटे उड़न दस्ते बनाए गए हैं इनके माध्यम से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आधिकारिक रूप से जितने भी शासकीय वाहन हैं उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि या प्रचार प्रसार में। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर पूर्णतः रोक रहेगी, और आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों या अन्य किसी मीडिया या आधिकारिक मीडिया में प्रचार प्रसार विज्ञापन राजनीतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन प्रसारण और सरकारी उपलब्धियों के प्रचार नहीं किया जाएगा, और शासकीय खर्चे पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स को तत्काल हटवाया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए जो वाहनों की अनुमति है वो आयोग के द्वारा सीईओ कार्यालय स्तर पर और डीईओ कार्यालय स्तर पर दी जाएगी, और कोई भी वाहन जो कि चुनाव प्रचार में लगा है वो बिना अनुमति या बिना व्हीकल परमिट के संचालित नहीं रहेगा। जो भी वाहन बिना परमिट के, जो कि वाहन में उसके विंडशील्ड पर चस्पा रहेगा, यदि नहीं रहता है तो उसको तत्काल जब्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। तो जहां तक अभ्यर्थियों का सवाल है, उनको मतदान दिवस छोड़कर सभी समय जो है वाहनों की संख्या पर कोई भी सीमा नहीं है, तो हम जितने वो वाहन चाहते उसका व्हीकल परमिट अवश्य रूप से देंगे। मतदान दिवस पर मात्र ये लिमिट तय की गई है कि अभ्यर्थी को एक, उसके अभिकर्ता को एक, और जो कार्यकर्ता है उनको विधानसभा वार जो है एक एक वाहन दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं तो 8 वाहन प्लस अभ्यर्थी और अभिकर्ता का एक एक, ऐसे 10 कुल वाहनों की हम अनुमति देंगे। सरकारी वाहनों के उपयोग किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं होगा, इस पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी यदि ऐसा होता है तो। जहां तक वीडियो वैन्स है, स्टार प्रचारकों
लोगों के लिए वाहन है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राज्य स्तर पर पदाधिकारी है उनके वाहन है जो कि अधिकतम हम 3, और राजनीतिक दलों के प्रचार सामग्री के वितरण के लिए पूरे राज्य हेतु 4 वाहन प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए रहेगा। तो इस तरीके की सभी वीडियो वाहन और ये सभी प्रकार के वाहनों का जो अनुमति है वो CEO कार्यालय से प्राप्त होगा। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर और वायुयान की अनुमति है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसमें सभाओं के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पहले आओ पहले पाओ इस अधिकारी के द्वारा पहले आओ पहले पाओ इस सिद्धांत के आधार पर जो है अनुमतियां दी जाएगी, और रैलियों के लिए और रोड शो के लिए भी जो है इसी प्रकार की अनुमतियां रहेंगी। अधिकतम 10 वाहनों की दशा मतलब अधिकतम 10 वाहन रोड शो के लिए रख सकते हैं। उससे अधिक यदि वाहन होते हैं तो फिर हर 10 वाहनों को टुकड़ियों में बांटा जाएगा और 100 मीटर का इनका दूरी की जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन जो है लाउड स्पीकर के उपयोग रात रहेगा। जो अस्थायी प्रचार कार्यालय है हमारे राजनीतिक दलों पर अभ्यर्थियों के, उनके संदर्भ में भी जो निर्देश दिया है कि कोई भी धार्मिक भवन को नहीं दिया जाएगा, और मतदान केंद्र के समीपस्थ 200 मीटर तक के ऐसे अस्थायी प्रचार कार्यालय स्थापित नहीं होंगे। शैक्षणिक संस्थाओं या अस्पतालों के भवनों में भी जो है अस्थायी प्रचार कार्यालय संचालित नहीं हो सकते। किसी प्रकार के शासकीय भवन में भी ये संचालित नहीं हो सकते। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो 95% जो कि लोकसभा क्षेत्र जो है वो अधिकतम व्यय की सीमा रहेगी, और जैसे भी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की घोषणा होती है और उसका नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत होता है तो उसको एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अपना पृथक बैंक खाता खोलना होगा, और उसके बाद जो है अपने जितने भी व्यय है वो इसी बैंक अकाउंट से उसको व्यय करना होगा, और परिणाम की घोषणा तक जो है उसको 3 बार इसको हमारे जो व्यय प्रेक्षक है जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष में अपने व्यय लेखा को जो है निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। परिणाम घोषणा के 3 दिवस के अंदर अभ्यर्थी को अपने पूर्ण लेखा विवरण को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि नहीं करते तो फिर 3 साल के लिए वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। इसी तरह आपराधिक पूर्ववृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिवस पूर्व तक 3 बार समाचार पत्र एवं टेलीविजन में उसके आपराधिक मामलों के विषय में उसे प्रकाशन या प्रसारण करना होगा, और ऐसे नाम वापसी के अंतिम दिन में जो प्रकाशन करना होगा ये 3 बार करना होगा। एक तो जो नाम वापसी के अंतिम तिथि से 14 दिन में सबसे पहला प्रकाशन होगा, फिर एक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन और विड्रॉल से अंतिम दिन के 5th से 8th डेट के बीच में द्वितीय प्रकाशन होगा, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के अंतिम दिन के 9th डे से प्रचार के अंतिम दिन तक, यानी प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होता है 48 आवर्स फ्रॉम पोल डे, ये तीसरा प्रकाशन होगा। तो ऐसे 3 बार जो प्रकाशन है वो करना आवश्यक है किसी भी समाचार पत्रों में अथवा टेलीविजन पर। अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें भी सोशल मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को भी यदि कोई इस तरह की अभ्यर्थी को वो करते हैं तो उसके बारे में